नमस्कार, मैं जनप्रताप शिवम गौतम और महाराष्ट्र में MLC का जो ग्रेजुएट टीचर्स और स्थानीय जो निकाय के माध्यम से चुनाव होता है उसकी रिजल्ट आने वाला है। एक सीट का रिजल्ट आ चुका है और इस एक सीट के रिजल्ट ने महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल के रख दी है। दरअसल जिन 6 सीटों पर MLC के लिए चुनाव हुआ उनमें 3 सीटें ग्रेजुएट्स की हैं, 2 सीटें टीचर्स की हैं और 1 सीट थी लोकल बॉडीज के माध्यम से चुने जाने वाली। इस लोकल बॉडी वाली सीट में जो कि पुणे नंबूदार की सीट है, जो कि धूले नंबूदार की सीट है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के अमरीश पटेल ने जो महाविकास अघाड़ी का अभिजीत पाटिल है उसको हरा दिया है। निश्चित तौर पर ये करारी हार है महाविकास अघाड़ी या फिर आप कह सकते हैं पसोठाबाद की। अमरीश पटेल को 332 मत मिले और वहीं अभिजीत पटेल को 98 वोट मिले और अब ये कहा जा रहा है कि इसमें क्रॉस वोटिंग हुई है। जो स्थानीय निकाय के लोग हैं उन्होंने सीधे तौर पर शिवसेना, NCP और कांग्रेस को नकारने का काम किया है। उन्होंने अपने उम्मीदवार को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर ये दिखा दिया है कि धूले नंदूरबार की जो सीट है वो अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। ये हर 2 साल पर इस MLC के चुनाव होते हैं और इनमें से 6 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। अगर दूसरी सीटों की बात की जाए, जो 5 सीटें बची हैं जिनमें ग्रेजुएट्स की 3 और टीचर्स वाली 2 सीटें हैं, इन पर भी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, जो सीधे तौर पर पसोठाबाद के लिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया के लिए एक करारा झटका है। अब सोचने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है उद्धव की सरकार को और 1 साल से पहले ही उनके लिए जो एक चुनाव हुआ उसमें करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और इस सब के लिए अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो उद्धव ठाकरे की गलत नीतियों को, शरद पवार और सोनिया की तानाशाही को जो वो उद्धव ठाकरे के माध्यम से महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका खामियाजा महाराष्ट्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। MLC का जो चुनाव होता है वो सभी मतदाताओं के माध्यम से नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आप इसको कह सकते हैं या फिर इसके लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल होता है उसके आधार पर MLC का चुनाव होता है और उसी के तहत ये जो धूले नंदूरबार की सीट थी इस पर भी लोकल बॉडी के माध्यम से चुनाव हुआ। इसके बीच में जितनी भी लोकल बॉडी आती है, स्थानीय निकाय आते हैं, उनके जो चुने हुए कैंडिडेट होते हैं वो वोटिंग करते हैं और उसी वोटिंग से कैंडिडेट चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार की हार हुई है उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी अमरीश पटेल को शुभकामनाएं दी हैं और सीधे तौर पर संकेत दिया है कि अब महाविकास अघाड़ी को इस चुनाव के रिजल्ट से अपने आप को कुछ तो सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोग चाहते क्या हैं। इसके अलावा जो 5 सीटें हैं जिनमें 3 सीटों पर ग्रेजुएट्स ने वोट किया है और 2 सीटों पर टीचर्स ने वोट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के ग्रेजुएट्स हैं जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटिंग हुई है और जो टीचर्स हैं वो भी सीधे तौर पर MVA यानी कि महाविकास अघाड़ी नाम के इस पसोठाबादी बेमेल गठबंधन को स्वीकार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 6 सीटों में से सीधे तौर पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 1 सीट पर उनकी जीत घोषित हो चुकी है, 5 सीटों के रिजल्ट अभी घोषित किए जाने हैं, लेकिन बढ़त की बात की जाए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, जो साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तब NCP, कांग्रेस और शिवसेना के इस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है लेकिन शिवसेना, NCP और कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उस हालत में भी इनकी जीत इस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसा इन्हें उम्मीद थी। इन्हें लगता था कि इन 6 में से कम 4 सीटें ये तीनों पार्टियाँ मिलकर जीत लेंगी, लेकिन अब इन तीनों पार्टियों के पास 2 सीटें भी जाती हुई नहीं दिख रही हैं। 1 सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो दिखाती है कि महाराष्ट्र के लोग किस कदर उद्धव ठाकरे की सरकार से, इस पसोठाबाद से, सोनिया शरद की तानाशाही से ऊब चुके हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं।
हालांकि महाराष्ट्र की इस सरकार के द्वारा दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। उद्धव ठाकरे के जो खासम खास शकुनी है संजय राउत, वो बार बार यही कहते हैं कि 25 साल तक महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार रहेगी, शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा। और तो और उद्धव ठाकरे ने भी यही घोषणा की थी दशहरा के संबोधन में कि हम 25 साल तक महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को 25 साल तक विपक्ष में बैठना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र की जो जनता है वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है, वो उद्धव ठाकरे या संजय राउत की इस बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है, बिल्कुल भी महत्व नहीं देती है। इसका संदेश अब एमएलसी के चुनाव में स्पष्ट तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सीट पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की बाछें खिली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग गदगद हैं, और वहीं दूसरी तरफ इस गठबंधन के लोगों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। उद्धव ठाकरे को समझ नहीं आ रहा है कि इस हार को किस तरीके से पचाया जाएगा, किस तरीके से इसके ऊपर बहाने बनाए जाएंगे। हालांकि शिवसेना की तरफ से अभी ये कहा जा रहा है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, केवल एक सीट का रिजल्ट आया है, बाकी 5 का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन वो ये समझ लें कि जिस एक सीट का रिजल्ट आया है उसमें लोकल बॉडी ने वोट किया है, और लोकल बॉडी की तरफ से उद्धव सरकार को, सोनिया, शरद और शिवसेना के इस गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया गया है। इसके पीछे की कई सारी वजह है, चाहे कोरोना के मामले में उद्धव सरकार की विफलता रही हो, या फिर बाद में भ्रष्टाचार के तमाम जो आरोप लगे इनके ऊपर, और उसके बाद में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो भूमिका उद्धव सरकार ने निभाई, जो भूमिका सोनिया शरद ने निभाई, उसको महाराष्ट्र की जनता ने पसंद नहीं किया। और बाद में जिस तरीके से कंगना रनौत का मामला उछला, या फिर दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी के ऊपर इन्होंने एक तानाशाही पूर्ण कार्रवाई करने की कोशिश की, उससे भी उद्धव सरकार को झटका लगा है। और लोकल बॉडी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी ये संदेश दे दिया है कि वो किसी भी हालत में उद्धव सरकार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जीत और हार का जो अंतर है वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अमरीश पटेल को जिस तरीके से 332 मत मिले हैं, और दूसरी तरफ अभिजीत पाटिल को केवल 98 मत मिले हैं, यानी कि अगर जो तीन पार्टियों का गठबंधन है उसका जो टोटल वोट है और उसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के वोट की जाए तो ये 3 गुने से भी ज़्यादा है। यानी कि अकेली भारतीय जनता पार्टी इन तीनों पार्टियों से भी 3 गुना वोट पा चुकी है। ये इनके लिए एक शर्मनाक बात है, और इस पर अब इन पार्टियों को ये चिंतन करना चाहिए कि क्या उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य बचाना है, क्या अपनी राजनीति बचानी है। अगर राजनीति बचानी है तो शिवसेना और NCP कांग्रेस का ये गठबंधन जनता की नज़र में अब पूरी तरीके से गिर चुका है। और ये पहले से ही कहा जा रहा था कि शिवसेना की जो सोच है वो इन दो पार्टियों से अलग है, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर सरेंडर किया सोनिया और शरद के सामने, और बाद में भ्रष्टाचार के तमाम मामले जिस तरीके से निकल कर आए, उसके बाद तो ये तय है कि महाराष्ट्र की जो जनता है जिसे जागरूक जनता कहा जाता है वो किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को बर्दाश्त नहीं करेगी, और आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे तब उद्धव ठाकरे को हार का ही सामना करना पड़ेगा। और अगर अभी के जो MLC चुनावों के रिजल्ट को देखा जाए तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि अकेली भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों पार्टियों से भी 3 गुना ज़्यादा वोट मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर 5 जो सीटों की बात की जाए जिन पर काउंटिंग चल रही है, उनमें से 4 पर भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो ये बताती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं और वही ज़्यादातर सोशल मीडिया को चलाते हैं, उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर पार्टी है इन तीनों पार्टियों से। और यही संदेश वो इस चुनाव में ग्रेजुएट्स के माध्यम से, जो ग्रेजुएट वोटर्स हैं या फिर जो टीचर्स वोटर्स हैं, उन्होंने देने का कोशिश किया है। और उसमें केवल 1 सीट अगर मिलती है तब भी ये कहा जाएगा कि 3 गुना ज़्यादा से भारतीय जनता पार्टी 5 गुना ज़्यादा हो गई है। अगर उसको फाइनल रिजल्ट के तौर पर हम ये कहते हैं कि 4 में से अगर 1 सीट पर किसी तरीके से दोबारा से महाविकास अघाड़ी अगर बढ़त हासिल भी कर लेता है रिजल्ट घोषित होने से पहले, तब भी भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और महाविकास अघाड़ी, खासकर उद्धव ठाकरे और उसके खासम खास पैसालार कहें या चाटुकार कहें संजय राउत के लिए ये करारा झटका होगा, जो मराठियों को अपने इशारों पर नाचने वाले लोग समझ रहे थे, लेकिन मराठी जनता ने यह बता दिया है, मराठी लोकल बॉडीज ने यह बता दिया है, मराठी ग्रेजुएट्स ने यह बता दिया है, मराठी टीचर्स ने यह बता दिया है कि वो देश के साथ हैं।
वो देश और समाज में जो कुछ चल रहा है उस पर आंखें बंद रख नहीं सकते और ना ही वो किसी पसोठावाद के दबाव में आ सकते हैं। वो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र के तौर पर वो वही करेंगे जो उन्हें उचित लगता है, जो संविधान के अनुरूप है, जो देश के अनुरूप है और जो महाराष्ट्र की आन वान शान के अनुरूप है। महाराष्ट्र की आन वान शान को चोट पहुंचाने की जो कोशिश उद्धव ठाकरे के द्वारा की गई है या इस महाविकास आघाड़ी के द्वारा की गई है उसको महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। यही इस MLC चुनाव का एक बड़ा संदेश है। जय हिंद, जय भारत।